हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। इस सीरीज़ में जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का हमारा सीरीज़ है, ऑलरेडी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लेट मी शो यू, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड सेकेंड वन इवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो एक कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों ही ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, सो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस, व्हाट इज नेटवर्क डिवाइसेस? सो आते हैं डेफिनेशन पे। यहां पे डेफिनेशन देख सकते हो, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू अ नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेस। सो किसी भी नेटवर्क में जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या प्रिंटर्स होते हैं या फैक्स मशीन्स होते हैं जिनको हमें आपस में कनेक्ट करना होता है, उनको कनेक्ट करने के लिए जिन हार्डवेयर डिवाइसेस की हम यूज करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल तुम्हारा मॉडेम हो गया, एनआईसी हो गया, रिपीटर हो गया, अभी राउटर जानते ही हो, तुम्हारे सबके घर में राउटर होता है, राइट? स्विच भी देखा होगा, गेटवे भी देखा होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में बारी बारी। ओके, तो ये हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं। अब सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है, दिस डिवाइसेस ट्रांसफर डेटा इन अ फास्ट, सिक्योर एंड करेक्ट वे ओवर द सेम और डिफरेंट नेटवर्क। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे नेटवर्क डिवाइसेस करते क्या हैं, डेटा को एक अच्छे स्पीड में, फास्ट स्पीड में और सिक्योर वे में ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, ओवर सेम और डिफरेंट नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने घर में एक नेटवर्क सेट किया हुआ है जिसमें बहुत सारे पीसी हैं। मान लो वो सारे पीसी आपस में कनेक्टेड हैं, सपोज ये तुम्हारा हब है और ये सारे पीसी हब से कनेक्टेड हैं, राइट? ये सारे पीसी हब से कनेक्टेड हैं, तो ये सारे पीसी अभी सेम नेटवर्क पे कहलाएंगे। ठीक है, और इस हब की हेल्प से ये सारे पीसी आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। ओके, फिर डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? सो डिफरेंट नेटवर्क का मतलब हुआ, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज तुम्हारा स्कूल है, राइट? तुम्हारा जो स्कूल है उसका अपना एक नेटवर्क होगा। फिर सपोज हॉस्पिटल है, जो तुम्हारे स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका हेल्थ चेकअप इस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो अब एक है स्कूल का नेटवर्क, एक है हॉस्पिटल का नेटवर्क। तो सपोज साल के एंड में स्कूल ने सारे स्टूडेंट्स का डेटा हॉस्पिटल को उसको भेजना है। ठीक है, किस लिए? ताकि हॉस्पिटल स्टूडेंट के डेटा को एनालाइज कर सके, उनका मंथली हेल्थ रिपोर्ट देख के, सारी चीज़ें देख के बता सके सारे स्टूडेंट फिट हैं कि नहीं। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होगा कि नहीं? स्कूल के नेटवर्क से हॉस्पिटल के नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क हो गए, डिफरेंट नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों जगह, चाहे सेम नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर हो रहा हो या फिर डिफरेंट नेटवर्क पे, दोनों ही जगह हम किसका यूज करने वाले हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस का, नेटवर्क डिवाइसेस का यूज करने वाले हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलो एक एक डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? सो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो सिंपल मॉडेम का काम समझो। मॉडेम करता क्या है ना, तुम्हारे डिजिटल सिग्नल को, जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, और वापस एनालॉग सिग्नल को फिर से कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। यानी हमारा मॉडेम दो ही काम करता है, अगर सिग्नल डिजिटल है उसको किसको कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट कर देगा? एनालॉग में, और एनालॉग है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल में। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सपोज तुम्हारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक सिस्टम है, दोनों इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब जो इंटरनेट पे जो डेटा ट्रेवल करता है वो एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, बट जो कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर फ्लो करता है वो डिजिटल फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक, तो सपोज इंटरनेट के थ्रू डेटा आया एक जगह से दूसरी जगह, बट ये किस फॉर्म में आया? एनालॉग फॉर्म में आया। तो एक कंप्यूटर उस डेटा को समझे, उसके लिए डेटा हमारे सिस्टम में एंटर करे, उससे पहले क्या लगा होता है? हमारा मॉडेम लगा होता है। और ये मॉडेम क्या करता है? इस एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल सिग्नल में। फिर ये कंप्यूटर हमारा समझता है। उसी तरीके से सपोज इस कंप्यूटर से हमें डेटा इस कंप्यूटर में भेजना है, मान लो ये सब अलग अलग काफी दूर दूर पे सिस्टम कनेक्टेड हैं अलग अलग कंट्री में, तो यहां से कुछ डेटा निकला, अब ये कैसे जाएगा डेटा? अब ये डेटा इंटरनेट के थ्रू जाएगा, तो इंटरनेट पे डेटा कैसे ट्रेवल करता है? एनालॉग फॉर्म में। तो अगेन यहां पे एक मॉडेम लगा होगा। सिस्टम से डेटा तो डिजिटल फॉर्म में आया, ठीक है, अब ये मॉडेम क्या करेगा? उस डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
तो यहाँ पे देखो वही सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, इट रेफर्स टू अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल बिट्स, और डिजिटल सिग्नल भी बोल सकते हो. ओके सो अब यहाँ पे देखो, लेट मी शो यू इन दिस डायग्राम. सो यहाँ देखो, ये हमारा लैपटॉप है जहाँ पे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, जैसे डेटा कैसे ट्रेवल करता है डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में, देख सकते हो. फिर जब ये डेटा हमारा मॉडेम में जाएगा, ठीक है, तो मॉडेम क्या करेगा, यहाँ पे मॉड्यूलेशन का काम करेगा. ठीक है, मॉड्यूलेशन का काम करेगा मतलब इस डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. एनालॉग सिग्नल ऐसा दिखता है. ठीक है, तो जो भी हमारा टेलीफोन लाइन्स हो गया या फिर इंटरनेट लाइन्स हो गए, इन सब में डेटा कैसे ट्रेवल करता है, एनालॉग फॉर्म में. फिर अभी डेटा इस सिस्टम में, सपोज इस डेटा को एंटर करना है, जो डेटा यहाँ से जा रहा है, बट एंटर करने से पहले बीच में फिर से मॉडेम आ गया. अब यहाँ पे मॉडेम क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन का काम करेगा, मतलब इस एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. तो आई होप क्लियर हो गया मॉडेम क्या करता है. इसीलिए अगर तुम अपने घर में देखोगे ना, तुम अपने घर में देखोगे तो जो भी तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर बाहर से आया है वो पहले एक मॉडेम से कनेक्टेड होगा, एक मॉडेम से कनेक्टेड होगा, फिर तुम्हारा मॉडेम तुम्हारे राउटर से कनेक्टेड होगा, और फिर तुम राउटर से कंप्यूटर को कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज करते हो, जितने भी तुम्हें कंप्यूटर राउटर से कनेक्ट करना है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तुम्हारा मॉडेम है. अब यहां तक जो डेटा आया, जो वो किस फॉर्म में था, तुम्हारा एनालॉग फॉर्म में. अब तुम्हारा जो कंप्यूटर है ये एनालॉग फॉर्म में तो डेटा को समझेगा नहीं, तो यहां जो मॉडेम लगा हुआ है, इस मॉडेम ने क्या किया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में. अब ये तुम्हारे राउटर के पास आएगा और तुम अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो. राइट, सो आई होप क्लियर हो गया होगा इतना. अब जो हमारा मॉडेम होता है, जब वो क्या कर रहा है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं, और जब वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है तो डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को. अब दो तरीके को होते हैं हमारे मॉडेम, एक इंटरनल जो कंप्यूटर के, जो हमारे डिवाइस के अंदर होता है, दूसरा एक्सटर्नल जो डिवाइस के बाहर होता है. सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मॉडेम क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है. आगे बढ़ते हैं, इथरनेट कार्ड. इथरनेट कार्ड क्या होता है, अब ये देखो, ये हमारा बेसिकली इथरनेट कार्ड है. तो इथरनेट कार्ड होता क्या है कि किसी भी कंप्यूटर को अगर तुम्हें कनेक्ट करना है इंटरनेट से लैन केबल के थ्रू, ठीक है, तुम्हारा अगर तुमने देखा होगा घर में, तो एक कंप्यूटर तुम्हारा जो सीपीयू है, ठीक है, तो सीपीयू के पीछे कुछ इस तरीके का एक छोटा सा हब बना होता है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर को लाते हो और यहाँ पे लाके तुम प्लग कर देते हो. ठीक है, ये लाइन केबल होता है, इसको लाते हो और लाके यहाँ पे प्लग कर देते हो. इससे तुम्हारे कंप्यूटर में इंटरनेट फिर एक्सेस हो जाता है. उसी तरह अगर तुम्हारा सपोज लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप में भी यहाँ साइड में लगा होता है, और तुम क्या करते हो, जो ऑप्टिकल फाइबर है, सॉरी लाइन केबल, उसको लाते हो, इसमें कनेक्ट कर देते हो. ठीक, तो होता क्या है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उस कंप्यूटर के मदरबोर्ड में हमारा ये डिवाइस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं इथरनेट कार्ड. ठीक है, और ये जो पोर्शन है ना, इसी के थ्रू मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है ये डिवाइस. ठीक, और फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है उस कंप्यूटर को, तो जो इथरनेट केबल है, जो जिससे इंटरनेट एक्सेस आ रहा है, उस केबल को, उस केबल के एंड में RJ45 कनेक्टर लगा होता है. एक RJ45 कनेक्टर होता है, शायद तुमने देखा हो, इसमें 8 पिन होते हैं. ठीक है, 8 पिन होते हैं. इस RJ45 कनेक्टर को हम यहां पे प्लग कर देते हैं, इसीलिए जो पोर्ट है इसको हम बोलते हैं RJ45 स्लॉट. इसको क्या बोलते हैं, RJ45 स्लॉट. और इसमें क्या हम पिन करते हैं, RJ45 कनेक्टर. तो जो भी तुम्हारे घर में, जो तुम्हारा इंटरनेट प्रोवाइडर होगा, जो तुम्हें इंटरनेट दिया होगा, तुम्हारे घर में ऐसा एक केबल आया होगा, ऑप्टिकल फाइबर का केबल आया होगा, और उसके एंड में देखोगे तो ये जो स्लॉट है ये RJ45 कनेक्टर होगा. ठीक है, यही लगा होगा, RJ45 कनेक्टर. और इसको लाके तुम कहां, अगर तुम डायरेक्ट, तुम्हें राउटर नहीं यूज करना है, तो तुम इसको सीधे लाके अपने लैपटॉप में ऐसे प्लग कर देते हो. और लैपटॉप में जहां प्लग करते हो वो किसका पार्ट होता है, इथरनेट कार्ड का पार्ट होता है. तो इथरनेट कार्ड के वजह से ही तुम अपने सिस्टम में लैन केबल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो. अपना कंप्यूटर ओपन करके देखोगे तो एक कार्ड तुम्हारे मदरबोर्ड में लगा होता है. ठीक है, ध्यान रखना. अब यहां पे देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, इथरनेट कार्ड ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज अ नेटवर्क अडेप्टर यूज टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क.
राइट, अगर वाइड नेटवर्क तुम्हें सेटअप करना है तो उसके लिए तुम्हें ईथरनेट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है यहां पे देख लो, सो इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। इट इज अ सर्किट बोर्ड माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। तो जो ईथरनेट कार्ड होता है हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड में लगा होता है, और जब भी हमें इंटरनेट कनेक्ट करना होता है तो सपोज तुमने अपने इंटरनेट वाले भाई साहब से बोला कि हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो उन्होंने एक ऑप्टिकल फाइबर तुम्हारे घर तक लेके आए। अब तुम्हें अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट इंटरनेट चलाना है, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर लेके आएंगे उसके एंड में क्या लगा होगा, उसके एंड में लगा होगा तुम्हारा RJ45 कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर। और इस RJ45 कनेक्टर को जिसमें 8 पिन होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, तुम कहाँ प्लग कर दोगे इसे, यहाँ पे इस पोर्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं RJ45 स्लॉट, जो कि इथरनेट कार्ड का हिस्सा होता है। और इस तरीके से तुम्हारे कंप्यूटर में इंटरनेट का एक्सेस आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी अभी अभी चीजें बताया, ठीक है। इट कंटेन्स RJ45 स्लॉट टू कनेक्ट इथरनेट केबल विथ RJ45 कनेक्टर, अभी मैंने बात किया इसके बारे में। फिर ईच एनआईसी अटैच टू अ वर्क स्टेशन हैज अ यूनिक नंबर नोन एज मैक एड्रेस, ठीक है। जो हमारा इथरनेट कार्ड है, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी भी बोलते हैं, हर एक कार्ड का अपना एक यूनिक नंबर होता है, जिसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इथरनेट कार्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RJ45, अभी मैंने बताया ना। सो यहां देखो, ये हमारा क्या था, ये हमारा स्लॉट है जिसमें कि RJ45 कनेक्टर लगता है, और इस स्लॉट को क्या बोलते हैं, RJ45 स्लॉट बोलते हैं, जो कि ईथरनेट कार्ड या यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का हिस्सा होता है। सो वही हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, RJ45। सो RJ45 और रजिस्टर्ड JAG45, इसको रजिस्टर्ड JAG45 भी बोलते हैं, इज एन 8 पिन कनेक्टर दैट इज यूज एक्सक्लूसिवली विथ ईथरनेट केबल्स फॉर नेटवर्किंग। तो जो भी हमारा ईथरनेट केबल क्या क्या होता है, बेसिकली ईथरनेट केबल, अभी आगे वो भी आएगा, ईथरनेट केबल की हेल्प से ही हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा ईथरनेट केबल है, ठीक है, उसके एंड में हमारा लगा होता है, दिख रहा है, यही है हमारा RJ45 कनेक्टर, ठीक है। इसमें टोटल 8 पिन होते हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पे पिन देख रहे हो, टोटल 8 पिन होते हैं, ठीक। बेसिकली इट इज ए स्मॉल प्लास्टिक प्लग दैट फिट्स इनटू RJ45 जैक ऑफ द इथरनेट कार्ड, अभी मैंने बताया तुम्हें, प्रेजेंट इन वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस। सो आई होप क्लियर हो गया होगा RJ45 कनेक्टर हमारा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब रिपीटर, रिपीटर क्या होता है, अब देखो रिपीटर बहुत सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन पहले देख लो। अ रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस, एक एनालॉग डिवाइस होता है। अब एनालॉग डिवाइस होता है मतलब समझ गए होगे कि हमारा कहाँ पे यूज होता है, जो इंटरनेट पे डेटा हमारा ट्रांसफर फ्लो कर रहा है वहां पे यूज होता है, ठीक। मतलब हमारा ये सिस्टम है, कंप्यूटर है, ठीक है। अब एक कंप्यूटर सपोज तुम्हारा दूसरे कंप्यूटर से हजारों किलोमीटर दूर है, बट इस कंप्यूटर से तुमने कुछ डेटा तुम्हें भेजना है इस कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये जो रास्ता है, ये जो ट्रेवल करेगा, ये क्या है, ये किसके थ्रू जाएगा, इंटरनेट के थ्रू जाएगा। तो इसी इसी जो फ्लो ऑफ डेटा है, ये जो हमारा एरिया है, यहीं पे हमारा रिपीटर यूज होता है। सिस्टम के अंदर यूज नहीं होता रिपीटर, हमारे कंप्यूटर में यूज नहीं होता, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर तो डेटा को डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में ट्रीट करता है, और एनालॉग क्या है, एनालॉग सॉरी रिपीटर क्या है, एनालॉग डिवाइस है, और यानी यहां पे यूज होता है बीच में जहां डेटा फ्लो हो रहा है। तो अभी बात करेंगे उस पर हम। क्या था, अ रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस दैट वर्क्स विद सिग्नल ऑन अ केबल टू विच इट इज कनेक्टेड, राइट। अ वीकेंड सिग्नल अपेयरिंग ऑन द केबल रीजनरेटेड एंड पुट बैक ऑन द केबल बाय अ रिपीटर। सो रिपीटर करता क्या है, वीक केबल को सिंपली क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, स्ट्रॉन्ग बढ़ा देता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि सपोज तुम्हारा स्कूल है, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है मान लो तुम्हारे स्कूल का लैब है, ठीक है। फिर एक बिल्डिंग ये है जो तुम्हारे स्कूल का कंप्यूटर लैब है, एक बिल्डिंग और है जो तुम्हारे कंप्यूटर का स्कूल का फिजिक्स लैब है। अब इस लैब से जो मेन लैब है तुम्हारे स्कूल का, इस मेन लैब से डेटा भेजना है कहाँ पे, तुम्हारे कंप्यूटर लैब में। तो तुमने वायर के थ्रू डेटा तुम भेजना चाहते हो, वायर के थ्रू, बट जो डेटा हम किस फॉर्म में भेजेंगे, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में भेजेंगे। अब एनालॉग सिग्नल की एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो ट्रेवल बहुत कम डिस्टेंस कर पाते हैं, ठीक
ठीक है, उसके बाद जो वीक पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो सपोज तुम्हारे यहाँ से डेटा ट्रांसफर होना चालू हुआ, बट सपोज ये 100 मीटर यहाँ पे आते आते डेटा जो सिग्नल है वीक हो गया, काफ़ी वीक पड़ने लगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वायर में बीच में हम रिपीटर लगा देते हैं, ठीक है। रिपीटर के इधर प्लग इन हो जाता है ये वाला वायर, और फिर इधर से आउट होता है, इधर से बाहर निकलता है। अब रिपीटर क्या करता है कि यहाँ पे इसको जो भी डेटा मिला, यहाँ पे जो भी सिग्नल मिला, उस सिग्नल को वापस क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, उसको ओरिजिनल फॉर्म में कर देगा। मतलब मान लो यहाँ से जब डेटा हमारा सिग्नल निकला था तो पूरा अपने कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। बट यहाँ आते आते वो सपोज कुछ ऐसा हो गया, बिल्कुल वीक पड़ गया, तो रिपीटर क्या करेगा, वापस उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा उसे। क्लियर होगा, आई होप ये डायग्राम का मतलब समझते होगे, ठीक है, अगर बीच में तुम इसका एक्सेस बनाए थे हो तो। सो आई होप क्लियर हो गया। रिपीटर क्या होता है, बेसिकली रिपीटर क्या करता है, जब डेटा हमारा सिग्नल हमारा फ्लो होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, सपोज जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच में इंटरनेट फ्लो हो रहा है, या फिर किसी एक बिल्डिंग के अंदर, किसी एक स्कूल के अंदर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में, तो वहाँ पे डेटा वीक, जो हमारा सिग्नल है वीक ना पड़े, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए बीच में हम रिपीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है हब। हब बोल सकते हो रिपीटर का बड़ा भाई है, ऑलमोस्ट सेम काम करता है जो रिपीटर करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब सपोज तुम्हारा जो स्कूल है, जो तुम्हारी स्कूल का मेन लैब है, तुम्हें मेन लैब से डेटा कहाँ भेजना था, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तुम्हें भेजना था कंप्यूटर लैब में या केमिस्ट्री लैब, जो भी हो, मान लो कंप्यूटर लैब में। तो तुमने यहाँ से डेटा भेजा, फिर कुछ दूरी पे तुमने क्या लगा दिया था, रिपीटर लगा दिया था, रिपीटर के पास डेटा पहुँचा, और रिपीटर वापस उस डेटा को एम्पलीफाई करके कंप्यूटर लैब के पास भेज देगा, राइट। अब हम चाहें तो बीच में जितना रिपीटर चाहे हम लगा सकते हैं, डिस्टेंस के ऊपर है। बट अब मान लो कि इस मेन लैब से डेटा तुम्हें कंप्यूटर लैब में भी भेजना है, फिजिक्स लैब में भी भेजना है, तुम्हारा केमिस्ट्री लैब में भी भेजना है, फिर कैसे होगा, फिर यहाँ बहुत दिक्कत आ जाएगा। फिर तुम अब यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर भेजोगे तो बीच में फिर एक रिपीटर लगाना होगा, दो तीन जितना ज़रूरत हो, फिर यहाँ भी सेम, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम हब का यूज़ करते हैं। हब क्या होता है, मल्टीपोर्ट होता है। रिपीटर में सिर्फ एक पोर्ट होता है ना, मतलब जो हमारा रिपीटर है उसमें सिर्फ दो पोर्ट होता है, एक पोर्ट में इन होगा, दूसरे पोर्ट से आउट होगा, राइट। बट जो हमारा हब है, हब में हमारा, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट वन मिनट। सो जो हमारा हब होता है, हब में मान लो ये हमारा हब है, ठीक है। अब हब 4 पोर्ट हब भी होता है, 8 पोर्ट हब भी होता है, 16 पोर्ट हब भी होता है, ठीक है। तो मान लो ये हमारा हब है जिसमें टोटल पोर्ट कितने हैं, 4 है, ठीक है, या मान लो मैं 6 पोर्ट हब ले लेता हूँ। ये हमारा हब है जिसमें टोटल पोर्ट कितने हैं, 6 हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब सपोज तुम्हें अपने मेन लैब से डेटा कहाँ पे भेजना है, तीनों अलग अलग लैब में भेजना है, तुम सिंपली क्या करोगे, यहाँ से डेटा तुम कहाँ भेज दोगे, हब में, यहाँ से डेटा हब में जाएगा, और हब से ये सारे के सारे लैब कनेक्टेड होंगे जहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये हब करेगा क्या, मेन लैब जो भी डेटा भेजेगा इस हब में, ये क्या करेगा, उस सेम डेटा को हर पोर्ट पे भेज देगा, इस पे भी भेज देगा, इस पे भी भेज देगा, इस पे भी भेज देगा। सो देखो वही डेफिनेशन दिया हुआ है, एन ईथरनेट हब इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स। अगर बहुत सारे डिवाइसेस को तुम्हें आपस में कनेक्ट करना हो तो वायर के थ्रू हम कर सकते हैं। मतलब अब जैसे यहाँ भी तो बहुत सारे डिवाइसेस ही कनेक्टेड है ना, जैसे ये बिल्डिंग कनेक्टेड है इस हब से, इसका मतलब इस बिल्डिंग के अंदर कुछ डिवाइसेस होंगी, वही तो इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, अब ये मेन लैब भी इस हब से कनेक्टेड है। तो देखो टोटल 4 डिवाइसेस, अगर इस बिल्डिंग को ले लो और इन तीनों को ले लो तो टोटल 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे घर की एग्जाम्पल की बात करूँ तो सपोज तुम्हारे घर में एक 3 कंप्यूटर है, फर्स्ट वन, देन सेकेंड वन, एंड देन थर्ड वन। तुम इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, इन तीनों को तुम हब से कनेक्ट कर सकते हो, इन तीनों डिवाइस को तुम हब से कनेक्ट कर सकते हो। अब इससे क्या फायदा हुआ कि पीसी ए बी और सी के बीच में अब डेटा शेयर कर सकते हो। पीसी ए मान लो कुछ डेटा भेजेगा तो डेटा पहले कहाँ जाएगा, हब में आएगा, और हब क्या करेगा, उस डेटा को बी को भी ट्रांसफर कर देगा और
सी को भी ट्रांसफर कर देगा। अब याद रखना, हब में ये पॉसिबल नहीं होगी सिर्फ बी को करे, वो सबको करेगा। कोई भी एक डेटा भेजे हब के पास, हब बाकी सबको भेज देगा वो डेटा जितने कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा हब था। सो अगर मैं हब का डेफिनेशन का बात करूं, सो देखो एन ईथरनेट हब इज अ नेटवर्क, पहला पॉइंट हमने देख ही लिया। दूसरा, डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइंस आर सेंट आउट टू ऑल द अदर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द लिमिटेशन ऑफ हब इज दैट इफ डेटा फ्रॉम टू डिवाइसेस कम एट सेम टाइम दे विल कोलाइड। वही पॉइंट है ना। अब जैसे डायग्राम देखो, मान लो अचानक से इस पॉइंट पे भी डेटा आ गया, मतलब पी सी ए ने भेज दिया, यहाँ पे भी डेटा आ गया, पी सी बी ने भी भेज दिया, यहाँ पे भी आ गया, पी सी सी ने भी भेज दिया, यहाँ भी आ गया, मतलब सारे हब पे सारे पी सी ने एक सा डेटा भेज दिया, तो अब क्या होगा? वो पूरा डेटा आपस में कोलाइड कर जाएगा, राइट? फिर डेटा फ्लो कहाँ पे होगा, कैसे होगा? कोई हब खाली ही नहीं है, हर सारे हब पे चारों तरफ से डेटा आ गया। तो यही हमारा ड्रॉबैक है हब का। ठीक है, ये स्मार्ट नहीं होता। हब हमारा एक डम्ब डिवाइस है, उसको सिर्फ इतना पता है कहीं से भी डेटा आया उसको बाकी सबको भेज दो। अब हब भी दो तरीके का होता है, एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या करता है, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल। सेम चीज जो बिल्डिंग वाले मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम मेन लैब से डेटा कहाँ भेजोगे, हब के पास। हब क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करके जितने भी कनेक्टेड बिल्डिंग्स यानी डिवाइसेस हैं उन सबके पास भेज देगा, राइट? ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो एक्टिव हब क्या करता है, डेटा को एम्पलीफाई कर देता है। फिर पैसिव हब, ये क्या करता है, इट अलाउज द सिग्नल टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। पैसिव हब की हेल्प से हम, जो अभी मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, अगर वो आपस में कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, हब के थ्रू। अगर हब के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं तो ये तीनों कंप्यूटर ए बी सी आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हब होता है जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करके डेटा शेयर कर सकते हैं, उसको हम पैसिव हब बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हब क्या होता है। चलते हैं अगले डिवाइस पे। सो नेक्स्ट डिवाइस है स्विच। स्विच क्या है, तो देखो स्विच जो है ना हमारा, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो स्विच क्या है, मैं राउटर पे कहाँ गया, स्विच। सो बेसिकली स्विच तुम बोल सकते हो कि हब का ही अपग्रेडेड फॉर्म है। अंतर ये है कि जो काम हब करता है ऑलमोस्ट सेम काम स्विच भी करता है, बट स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है। अब स्विच में क्या होगा कि सपोज तुम्हारा स्विच है, ठीक है, ये तुम्हारा स्विच है, अब इसमें तीन कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी, ये तीनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट कैसे हुआ, अगर सिस्टम ए ने कुछ डेटा भेजा सिस्टम बी के लिए तो होगा क्या, ये डेटा जाएगा स्विच के पास और स्विच क्या करेगा, इस डेटा को सिर्फ बी को भेजेगा, बाकी सी को या कोई और कनेक्टेड है तो उसको नहीं भेजेगा। उसी तरह सी ने कुछ डेटा भेजा ए के लिए तो ये डेटा कहां पहले जाएगा, हमारे स्विच के पास, और फिर स्विच उस डेटा ए को ही भेजेगा, किसी और को नहीं भेजेगा। तो हब हमारा डंब था, सबको भेज देता था, स्विच स्मार्ट है, ठीक है, वो सबको नहीं भेजेगा। तो डेफिनेशन देखते हैं इसका, डेफिनेशन क्या है, अ स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्लेज एन सेंट्रल रोल इन लोकल एरिया नेटवर्क लाइक अ हब। अ नेटवर्क स्विच यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज, जो अभी मैंने बोला। दूसरा, इट सेंड्स सिग्नल टू ओनली सिलेक्टेड डिवाइसेज इंस्टेंट ऑफ सेंडिंग टू ऑल। अगेन, सबको नहीं भेज देता, सिर्फ जिसको, अब पीसी ए ने पीसी बी को भेजा है तो डेटा सिर्फ पीसी बी के पास ही जाएगा, सबके पास नहीं जाएगा। इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम। अब ये मल्टीपल पैकेट्स अब डेटा को एक साथ भेज सकता है, राइट? अ स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल विच आर नॉजी और करप्टेड। हब से एक और अलग क्या है स्विच में, कि अगर कोई डेटा करप्टेड है, डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको सेंड नहीं करेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा। आई होप स्विच क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं राउटर पे। राउटर क्या होता है, तो डेफिनेशन देख लो। अ राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क्स, ठीक है। सो कभी भी तुम्हें दो या दो से ज्यादा नेटवर्क के बीच में आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, राउटर का यूज करते हैं, राइट? राउटर बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, वो डेटा को एनालाइज कर सकता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो तुम्हारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें कुछ कंप्यूटर से, मान लो कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है और एक कंप्यूटर सी है, और ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं स्विच के थ्रू। ये मान लो स्विच है तुम्हारा, इस स्विच से तुम्हारे ए बी और सी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अब ये स्विच किससे कनेक्टेड है, एक राउटर से, ये हमारा राउटर है, ये स्विच कनेक्टेड है इस राउटर से, ठीक है।
यानी स्विच में डेटा कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड है, राउटर के थ्रू, राउटर से डेटा स्विच में आ रहा है और फिर स्विच के थ्रू डेटा कहाँ जा रहा है, सारे पीसी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो एक और है हमारा, एक नेटवर्क ए बी है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें भी कुछ सिस्टम है, कुछ सिस्टम एक्स, सिस्टम वाई, पीसी है और सिस्टम जेड, और ये सारे आपस में कैसे कनेक्टेड है, स्विच के थ्रू। तो एक्स भी स्विच से कनेक्ट है, वाई भी कनेक्टेड है और जेड भी कनेक्टेड है, और ये स्विच किससे कनेक्टेड है, हमारा राउटर से। ये स्विच हमारा राउटर से कनेक्टेड है। तो यानी अभी सिंगल राउटर दो दो नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर कर रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क ए में भी और नेटवर्क बी में भी। अब हम चाहें तो एक और नेटवर्क सी भी इस राउटर से कनेक्ट हो सकता है। अब मान लो, यहां पे इस चीज को ध्यान से समझो कि नेटवर्क ए का जो कंप्यूटर ए है, ये कुछ डेटा भेजना चाहता है। किसको भेजना चाहता है, नेटवर्क बी में एक्स को। तो ये डेटा कैसे जाएगा, ये डेटा पहले सिस्टम ए से निकलेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा, हमारे स्विच के पास, जो नेटवर्क ए का स्विच है। फिर उससे ये डेटा कहाँ जाएगा, राउटर के पास। फिर राउटर चेक करेगा कि वो डेटा किस नेटवर्क के लिए है, किस कंप्यूटर के लिए। तो एक्स के लिए है, एक्स किस नेटवर्क में है, नेटवर्क बी में। तो अब ये डेटा कहाँ आ जाएगा, नेटवर्क बी में आएगा। अब नेटवर्क बी में आने के बाद सीधे एक्स के पास नहीं चला जाएगा, पहले स्विच के पास जाएगा, जो नेटवर्क बी का स्विच है, और फिर इस स्विच से ये डेटा एक्स के पास जाएगा, बाकी वाई और जेड के पास नहीं जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे नेटवर्क बी में स्विच की जगह हब होता, तो डेटा सिर्फ एक्स के पास नहीं जाता, सबका पास चला जाता। तो यहाँ पे राउटर क्या कर रहा है, देखो जो डेफिनेशन में दिया हुआ है, राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट। मतलब जो ए ने डेटा भेजा दूसरे नेटवर्क के लिए, उसको राउटर ने रिसीव किया, एनालाइज किया कि किसको भेजना है, और फिर ट्रांसमिट कर दिया दूसरे नेटवर्क में, टू द अदर नेटवर्क। यानी राउटर की हेल्प से हम दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सकते हैं। राइट, तुम अपने घर में देख लो ना, तुम इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड हो, तुम्हारे जो घर का एरिया का, तुम्हारा घर का नेटवर्क हो गया वो लोकल एरिया नेटवर्क है। अब वो बाहर का जो इंटरनेट है उसे कैसे कनेक्टेड है, राउटर की हेल्प से। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन अ राउटर कनेक्ट अ लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक, फिर दूसरा, कंपेयर टू अ हब और अ स्विच, अ राउटर हैज एडवांस कैपेबिलिटीज एज इट कैन एनालाइज द डेटा बींग कैरिड ओवर अ नेटवर्क, डिसाइड अल्टर हाउ इट इज पैकेज्ड। सो देखो, मैंने बताया था कि जो हब होता है, हब से ज्यादा एडवांस क्या होता है, हमारा स्विच होता है। लेकिन स्विच से भी कहीं ज्यादा एडवांस क्या होता है, हमारा राउटर होता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सीनो सेम कैसे हुए, भाई देखो ऑलमोस्ट सेम है सब, क्योंकि स्विच भी क्या कर रहा है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है, सॉरी हब क्या कर रहा है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है आपस में। राइट, स्विच भी तो वही काम कर रहा है ना, बट स्विच थोड़ा स्मार्ट हो गया। अब राउटर को भी देखो तो राउटर भी तो यही काम कर रहा है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, और मान लो यहां पे एक और नेटवर्क है, नेटवर्क सी, एक और है नेटवर्क डी, इन सब को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो राउटर भी तो वही काम कर रहा है ना, क्योंकि फाइनली अगर मैं नेटवर्क ए की बात करूं तो नेटवर्क ए में राउटर से कौन कनेक्ट किया है, हमारा स्विच कनेक्ट किया है। तो राउटर भी तो वही काम कर रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो तीनों ऑलमोस्ट सेम है, एक दूसरे के अपग्रेडेड वर्जन है। तो राउटर क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, अभी देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गेटवे का मतलब ना कि किसी भी एक नेटवर्क में डेटा जो इन और आउट हो रहा है, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गेटवे। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा कॉलेज है, ठीक है, और कॉलेज में बहुत सारे लैब हैं, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, बट जो आउटर वर्ल्ड का, बाहर की दुनिया का जो नेटवर्क है, सपोज ये तुम्हारे बाहर की दुनिया है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो मान लो ये तुम्हारी बाहर की पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया बाहर की है, ये बाहर का इंटरनेट है, और ये तुम्हारा कॉलेज है। ठीक है, और ये तुम्हारा आउटर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड। अब इस आउटर वर्ल्ड से अगर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना है, तुम्हारे कॉलेज में जितने भी लैब्स हैं उनके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मान लो ये सारे कंप्यूटर्स हैं अलग अलग लैब के अंदर, एक लैब ए हो गया, एक दूसरा लैब हो गया, इसके अंदर भी बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, तो कैसे होगा। अब मान लो बाहर से जो आउटर वर्ल्ड है उससे एक इंटरनेट का वायर आया, और वायर के आके सीधे किसी एक कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा, नहीं ना, पहले वो आएगा तुम्हारे पूरे कॉलेज का एक मेन राउटर होगा। तुम अपने कॉलेज में देखे होगे या स्कूल में, बड़ा सा एंटीना टाइप का लगा रहता है, तो एक मेन राउटर होगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर आके इस राउटर में कनेक्ट होगा।
अब इस राउटर से तुम्हारे हर जितने भी कंप्यूटर लैब है, मान लो एक लैब है तो एक इसका अपना राउटर होगा, ये वाला लैब है इसका अपना राउटर होगा, अब ये सारे राउटर इस बड़े वाले राउटर से कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से इस लैब के अंदर अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं वो सब भी इस वाले राउटर से कनेक्ट होंगे। तो यहां पे हो क्या रहा है, इस पूरे कॉलेज के नेटवर्क से जो भी डेटा बाहर जाएगा वो इसी राउटर के थ्रू जाएगा। यानी मान लो ये लैब ए है, लैब ए से कुछ डेटा बाहर जाना है किसी और शहर में, किसी और कॉलेज में, तो पहले डेटा कहां पे आएगा, इस मेन राउटर में आएगा। पहले तो लैब के राउटर में आएगा, उसके बाद इस मेन राउटर में आएगा जो मेन राउटर है, और फिर बाहर निकलेगा। उसी तरीके से बाहर से मान लो यूएसए से किसी ने कुछ डेटा भेजा इस कॉलेज के लिए, तो डेटा ट्रेवल करते हुए आएगा, सबसे पहले जो कॉलेज का मेन राउटर है इसमें एंटर करेगा, और राउटर उस डेटा को एनालाइज करेगा, सही है कि नहीं, वायरस तो नहीं है, डेटा का फॉर्म क्या है, डेटा को एनालाइज करेगा, फिर कॉलेज की कैंपस में उसको एंट्री देगा जिस लैब में उस डेटा को जाना होगा, जिस लैब में भी जाना होगा। तो बेसिकली ये जो हमारा मेन राउटर है कॉलेज का, ये क्या काम कर रहा है, गेटवे की तरह काम कर रहा है कि नहीं, जहां से पूरा कॉलेज के अंदर डेटा इन हो रहा है या डेटा आउट हो रहा है। तो बस यही है गेटवे। आई होप गेटवे समझ में आ गया होगा। तो आई नो माई डायग्राम बहुत गंदा बनाया हूं, बट नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा ठीक बनाने का। तो डेफिनेशन देख लो, अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर डेटा। अब देखो गेटवे क्या करता है, अलग अलग तरह के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देता है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें कि जो तुम्हारा कॉलेज है, कॉलेज के अंदर मान लो बहुत सारे लैब हैं, ठीक है, सो इसको हम ले लेते हैं लैब ए, देन लैब बी, देन लैब सी। अब इन सब के आपस में अपने राउटर होंगे, लैब ए का राउटर है जिससे लैब ए कनेक्टेड है, ये लैब बी का राउटर है और ये लैब सी का राउटर है। अब इस कॉलेज का एक मेन राउटर है, इससे सारे राउटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये मेन राउटर है। अब इस राउटर के थ्रू मान लो यूएसए में एक कॉलेज है, वो भी तुम्हारे ये जो कॉलेज एक्स है, यूएसए में एक कॉलेज है, यूएस एक्स इसको नाम दे लेते हैं, एक कॉलेज जो है यूएस एक्स, ये तुम्हारे एक्स कॉलेज के नेटवर्क से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो रिक्वेस्ट पहले कहां आएगा, मेन राउटर के पास आएगा, और मेन राउटर अगर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो ये दोनों नेटवर्क एक्स जो तुम्हारे एक्स कॉलेज का नेटवर्क है और यूएस एक्स कॉलेज का नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी दोनों यहां पे देखो दो अलग अलग तरह के नेटवर्क हो गए, राइट। तुम्हारे कॉलेज का नेटवर्क अलग हो सकता है, बहुत सारी चीजें अलग हो सकती हैं, और जो यूएसएक्स कॉलेज है उसका नेटवर्क बहुत अलग हो सकता है, बट दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, किसके थ्रू हुए, इस गेटवे के थ्रू हुए। उसी तरह जो यूएसएक्स कॉलेज है इसका भी अपना गेटवे होगा, ठीक है। तो गेटवे से क्या पॉसिबल होता है कि दो अलग अलग तरह के नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट, एक्ट एज अ गेट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट, राइट। सो आई होप दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गेटवे सर्व्स एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क, ये भी बता चुका हूं। एज ऑल डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ अ नेटवर्क मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द गेटवे इन ऑर्डर टू यूज राउटिंग पाथ, ये भी बता चुका हूं। फॉर सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी एट होम द गेटवे इज यूजुअली द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटायर इंटरनेट, ठीक है। अब जो घर में तुम लोग इंटरनेट यूज करते हो, जैसे मोबाइल में जो यूज कर रहे हो, उसके लिए गेटवे क्या हो गया, वो जैसे तुम जियो का नेट यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए जो मेन जियो का टावर है ना वो गेटवे हो गया, ठीक है, क्योंकि वही तो डिसाइड कर रहा है ना क्या क्या डेटा तुम्हारे फोन में आएगा, कैसे ट्रेवल करेगा, ठीक। हालांकि तुम्हारे फोन का भी एक अपना गेटवे होगा, ठीक है, इंटरनेट जो है उसका, बट वो बहुत छोटे लेवल पर उसके पास कंट्रोल होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया कि गेटवे क्या होता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, ये था हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज में। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करो वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।